फिफ्थ हाउस और साइन ऑफ लियो। देखो हर ग्रह के कुछ नाम होते हैं, है ना, कुछ मंत्र होते हैं, 108 मंत्र हैं नवग्रहों के। उन मंत्रों में उसका एनर्जी छिपा हुआ है, उनके नामों में बहुत कुछ छिपा हुआ है। सूर्य की जब बात आती है, लियो साइन, हम फिफ्थ हाउस पे आएंगे लेकिन सन एंड लियो की बात करेंगे। लियो जो है ना एक फिक्स साइन है, और फिक्स साइन में जो ग्रह बैठ गया, यू कांट चेंज, उसकी एनर्जी को आप कभी नहीं बदल सकते। इट्स ए फिक्स्ड कर्मा, इट्स ए दृढ़ कर्म, यानी कि वहां पे कोई रेमेडी काम नहीं करेगा, संभावना बहुत कम है क्योंकि वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो लियो साइन फिक्स्ड साइन है। लियो आपकी क्रिएटिविटी है। ठीक है, लियो साइन कालपुरुष कुंडली का फिफ्थ हाउस है, इसको ऐसे समझ लीजिए। फिफ्थ हाउस आपका एंटरटेनमेंट, फिफ्थ हाउस आपका दूसरों का फ्यूचर देखना, स्पेकुलेशन और फ्यूचर देखना, दोनों फिफ्थ हाउस से जुड़ा हुआ है। फिफ्थ हाउस आपका एट्थ हाउस से टेंथ पड़ता है, आपके सीक्रेट्स कर्मा, जहां आदमी ये सोचता है ना अरे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान देख रहा है, याद रखिए। तो एट्थ हाउस से टेंथ में पड़ता है आपके पूर्व पुण्य फिफ्थ हाउस। ज्योतिष जगत में फिफ्थ और एट्थ का बहुत कनेक्शन है। अगर बेनिफिक्स है तो आपको नेचुरली इंक्लाइंड होते हैं, आप खुशी खुशी इंक्लाइंड होते हैं ज्योतिष की तरफ, आपका ये इंटरेस्ट बन गया, आपको मजा आ रहा है उसमें, है ना। फिफ्थ हाउस वो चीज है जो आप बहुत ही प्यार से करते हैं, लव है, जिसके अंदर आपका लव है ना। देखो फिफ्थ हाउस लव, जो चीज आप प्यार से करते हैं, दैट इज फिफ्थ हाउस, दैट इज लियो एज वेल। फिफ्थ हाउस आपका क्रिएशन है, आपका चाइल्ड आपका क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है चाइल्ड। अभी क्या होता है कि जब मेलेफिक्स फिफ्थ हाउस के साथ, फिफ्थ और एट्थ का कनेक्शन बनाओ मेलेफिक्स वे में, जैसे सैटर्न बैठा हो मार्स, ठीक है, कुछ कनेक्शन बना रहे फिफ्थ हाउस से, क्या होता है कि आप ज्योतिष की तरफ तब अट्रैक्ट होते हैं जब आपकी लाइफ में कुछ ट्रबल्स आते हैं, तब आप घुसते हैं ज्योतिष में, तब आप ढूंढना चाहते हैं आंसर, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, शादी नहीं हो रहा यार, ऐसे कैसे हो गया, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे को ये हो गया वो हो गया, करियर में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम है, दैट इज ए फिफ्थ एंड एट्थ इन अ मैलिफिक वे। लेकिन जब आपका फिफ्थ और एट्थ का कनेक्शन, इसका मतलब आपके पास्ट लाइफ के कुछ बहुत अच्छे पूर्व पुण्य है, इनहेरिटेंस में वो आप लेके आए पूर्व पुण्य, आपके कर्मा, एट्थ हाउस इनहेरिटेंस है ना, ठीक है, तो आपका फिफ्थ हाउस वहां से टेंथ पड़ता है, यानी कि आपके एट्थ हाउस का जो एक्शन है वो आपका फिफ्थ हाउस में दिखता है, आपके चाइल्ड को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, क्या होता है, आप ज्योतिष में आते हैं, अगर आपका फिफ्थ हाउस अच्छा है, एट्थ हाउस के साथ अच्छे वे में कनेक्शन आ रहा है, तो वो नेचुरली है, आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तो इसलिए आपको एक ट्रॉमा के बाद, एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद आप ज्योतिष ने नहीं जुड़े आप, बल्कि एक शॉक एक आपका डेवलप हो गया अपने आप। लेकिन बहुत सारे लोग ज्योतिष में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको आंसर देखने पड़ते हैं, आंसर ढूंढते हैं वो कि ऐसा क्यों हुआ। सन रिप्रेजेंट ऑल काइंड ऑफ नॉलेज, स्पेशली ज्योतिष, बिकॉज सन इज द लाइट, प्योर लाइट। ठीक है, सन का एक नाम है ओम अखिल, अखिलाग वेदिने नमः। ठीक है, वो एक मंत्र है जो आने वाले हर चीज का नॉलेज रखता है, या जो सेक्रेट जो टेक्स्ट है हमारे वेद पुराण, ठीक है, ज्योतिष उन्हीं में से एक है, उसको सन, सन को बोला गया वो चीज। और सन जो है, आप देखिए, जब आपको सन लाइट होता है तो आपको किसी और लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर, ठीक है, और लाइट क्या करती है, आपको रोशनी, आपको रास्ता दिखाती है। तो सन नॉलेज, स्पेशली ज्योतिष का नॉलेज, वेद का नॉलेज, वेदांत, ठीक है, ये सन रिप्रेजेंट करता है, ज्योतिष सन रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य आपको रोशनी भी दे सकता है और आपको जला भी सकता है। ठीक है, तो बहुत जिनका सन खराब हो जाता है, दे प्ले विद द फायर ऑफ ज्योतिष,
इफ राहु इज अ कनेक्टेड विद द सन एंड ठीक है, वो ही विल मैनिपुलेट द नॉलेज बिकॉज सन रिप्रेजेंट नॉलेज. इट मीन्स ही विल मैनिपुलेट और ही हैज मैनिपुलेटेड द सेक्रेड नॉलेज ही और ही हैज कॉपीड, उस नॉलेज को चुराया है बिकॉज राहु है ना, ही हैज कॉपीड द नॉलेज इन पास्ट लाइफ. अगर सन राहु का कॉम्बिनेशन है तो आप देखिएगा सन राहु को इफेक्ट करे या लियो को इफेक्ट कर लेते हैं सैटर्न राहु जैसे प्लैनेट. मेल चाइल्ड नहीं होगा ऐसे लोगों के घरों में, उनका वंश बढ़ाने वाला पैदा नहीं हो पाता. वहीं तक है. ऐसा क्यों? बिकॉज यू प्ले विद द फायर ऑफ ज्योतिष. जिसका जितना अच्छा सन होगा वो उतना अच्छा ज्योतिष बन सकता है, वो ऐसा दूसरों को रास्ता दिखा सकता है अच्छे वे में. सन है ना, होनेस्टी है, सन के अंदर होनेस्टी है. सन अच्छा होगा तो आपके अंदर होनेस्टी है. सन करप्टेड हो गया आपके अंदर ऑनेस्टी का गड़बड़ है, स्पेशली राहु जैसे, स्पेशली ज्योतिष में फिर उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है. तो सन को जल चढ़ाना, एक फिक्स टाइम पे उठना और फिर जल चढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योतिषियों के लिए, क्योंकि आपको दूसरों को रास्ता दिखाना है. अच्छा प्योर सन होगा तभी आप दूसरों को अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं. अगर आपका एफ्लिक्शन में है नहीं दिखा पाओगे, उल्टा मैनिपुलेट करोगे और वो कर्स आता है फिर आपके चाइल्ड में. ज्योतिषी हैं थोड़ा हम सबको, आपको सीख रहे हैं पेशेंस. सन पेशेंस फिक्स्ड है ना, सन लियो साइन फिक्स्ड साइन को रिप्रेजेंट करता है. सन रिप्रेजेंट करता है जो कभी खत्म नहीं होता है. एक मंत्र है तो उसका जो मीनिंग है वो है कि जो कभी खत्म नहीं होता, जो फिक्स्ड है, जिसमें स्थिरता है. और ज्योतिष हमेशा स्थिरता से ही आता है, को मालूम होना चाहिए. ज्यादा जल्दबाजी करोगे मैनिपुलेट कर लोगे नॉलेज को. मैक्सिमम जो नॉलेज है आज की डेट में वो राहु से इफेक्टेड है. सूर्य और चंद्रमा ज्योतिष जगत की आंखों को बोला गया. तो एक टेक्निक है कि भाई अगर लियो अफ्लिक्शन में है, सन अफ्लिक्शन में है, तो आपका मेल चाइल्ड का इशू है. जैसे सूर्य के त्रिकोण में शनि राहु बैठना, शनि राहु लियो में बैठना और सन अफ्लिक्शन में होना, इंडिकेशन कि आपका या तो मेल चाइल्ड होगा नहीं, बहुत देरी से होगा, संभावना है. ठीक है, मैलिफिक्स नहीं होने चाहिए. अपने सन को अच्छा करिए है ना, सूर्य को जल चढ़ाइए रोज सुबह. एंड डोंट प्ले विद द फायर ऑफ ज्योतिष, डोंट आस्क पर्सन क्वेश्चंस है ना. अभी मत पूछे, बीच लेक्चर में नहीं पूछना है ना, डाइवर्ट हो जाएगा. तो आपका फिफ्थ, आपका एट्थ हाउस का नॉलेज आपके फिफ्थ हाउस को इफेक्ट करता है. फिफ्थ हाउस क्या है? आपका क्रिएटिविटी और आपका एंटरटेनमेंट, आपका स्पोर्ट्स, आपका सट्टेबाजी, आपका लॉटरी, ये सब फिफ्थ हाउस से दिखा. फिफ्थ हाउस आपकी मंत्र शक्ति भी, जैसा प्लैनेट फिफ्थ हाउस. देखो आपको अगर सट्टा लॉटरी और इन सब से पैसा कमाना है तो आपका फिफ्थ एट्थ का कनेक्शन इलेवेंथ हाउस से होना चाहिए. ठीक है, तब आप कमा सकते हैं. ये लियो और सन का है. अब देखिए फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड आपके लगन में अगर हुआ है तो नेचुरल सा बात है किस साइन में बैठा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. किस प्लैनेट के साथ, मेलफिक्स के साथ बैठा है वो अलग मैटर है. लेकिन जनरल सा रिजल्ट, फिफ्थ हाउस का लगन में बैठना, आपका पूर्व पुण्य बहुत अच्छा है, आपको लगाव देगा, बच्चों से लगाव देगा, बच्चों से बेनिफिट देगा. ठीक है, आपको पढ़ने का शौक हो सकता है, नॉलेज गेन का. फिफ्थ हाउस आपका इंटेलिजेंस है, फिफ्थ हाउस इज योर इंटेलिजेंस. फिफ्थ हाउस देखिए क्या है, फिफ्थ हाउस क्या है, ये सेकंड हाउस है, ये फिफ्थ हाउस. कोई भी हाउस, ठीक है, किसी भी हाउस से फोर्थ हाउस उसका करियर है, मतलब उसका एडवांस फॉर्म है. ठीक है, दे आर कनेक्टेड. मैंने बढ़ाया था ना, केंद्र आर कनेक्टेड, 1, 4, 7, 10, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. ये आपका प्राइमरी एजुकेशन है, लर्निंग है. ठीक,
ये आपकी वाणी का भाव है। यहां से फोर्थ हाउस, इसका बहुत बड़ा लिंक है सेकंड और फिफ्थ का, आपकी मंत्र शक्ति और आपका सिंगिंग, जो मन से आवाज निकलता है। देखो फोर्थ हाउस क्या है, जो आप मन से करते हैं। आपको सिंगर बनना है ना, तो आपका फिफ्थ हाउस का कुछ कनेक्शन होना चाहिए कहीं सेवेंथ से, सेकंड से, ठीक है, क्योंकि आप जो मन से करते हैं वो आपका मन की जो आवाज है वो फिफ्थ हाउस है। हायर लेवल ऑफ स्पीकिंग और एंकरिंग, ऑथरशिप फिफ्थ हाउस, ऑथरशिप भी फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। आपका फेम फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में होगा, अपनी फैमिली में फेमस होगा, भाई ऐसा तो किसी ने किया नहीं जी हमारे खानदान में, इसी ने किया जी, है ना। फिफ्थ हाउस लगन में बैठा हुआ है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि 2, 5, 8, 11 आपस से जुड़े हैं। सेकंड हाउस से आप खाते हैं, फिफ्थ हाउस आपका स्टमक है, मैं उस दिन भी समझाया था, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस इसी का हायर फॉर्म है, इंटेलिजेंस, आपके सोचने समझने की क्षमता। यहाँ पे आपको फैमिली का एनवायरनमेंट मिला, आपको कुछ यहाँ पे वो मिला कि देखो उनसे बात नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, उनके पास नहीं जाना, ठीक है, वो खराब लोग हैं आपके पड़ोस में जो रहते हैं। लेकिन आपका फिफ्थ हाउस डिसाइड करेगा आपके अंदर अच्छा या बुरा समझने की कितनी क्षमता है, वो फिफ्थ हाउस। तो आप यहां से समझेंगे, अच्छा सच में जो मेरे को पढ़ाया, जो मेरी फैमिली वाले ने बोला कि ऐसे हैं, क्या सच में वो ऐसे हैं, ठीक है। आप फिफ्थ हाउस से देखते हैं, अगर ये फिफ्थ हाउस खराब हुआ तो आप बोलेंगे अरे नहीं जैसे बोला वही वही अच्छा है, लड़ने लग जाएंगे जाके पड़ोसियों से। फिफ्थ हाउस आपको अच्छे और बुरे की समझ देता है। कई बार केतु फिफ्थ हाउस में होता है, लव अफेयर में ब्रेकअप, इसीलिए क्योंकि जिससे प्यार किया वो तो समझ ही नहीं पाएंगे अच्छा है या बुरा है, हेडलेस प्लैनेट बैठा हुआ, मिस्टेक हो, बड़ा मिस्टेक किया, ठीक है ना। तो फिफ्थ हाउस जब लगन में होता, फिफ्थ लॉर्ड जब लगन में होगा, इसका मतलब आदमी के अंदर इंटेलिजेंस है, वो अच्छे बुरे की क्षमता रखता है पहचानने में। कई बार ऐसे लोगों को पढ़ने का शौक होता है, ज्ञान अर्जित करने का शौक होता है।